My friend, come sit with me. अब असली वाला कौन सा है, वो वाला ये वाला? जुए में बराबर के पत्ते बांट लेते क्या बात है, लेकिन वही ट्रेन में। Ready, let's go. अभी खाना खा के अटे हैं, रात के 1:14 हो रहे हैं एंड अब हम लोग निकल रहे हैं नाइट राइड पे। सो मुंबई दर्शन, मुंबई भ्रमण करने के लिए लौंडे हो गए तैयार। सेंटमेंट लगा के इधर भी लगा दे थोड़ा यार। ओह यस, हा हा हा, ताली खुशबू। ओहो, येलो नॉटी फेलो। मेरे को जीए से मिलेगा ना। नॉट माय राइड, आई एम गोना राइड दिस टुनाइट। इंडियन, प्राउड इंडियन, यू नो। सो ऑलरेडी वार्म अप हो चुका है, कुछ बाइकें निकल रही हैं, एक गाड़ी साथ में जा रही है एंड मे बी ऑन द वे बैक आई गोना राइड दैट वन, द गोल्ड विंग। लेट्स गो। यस, शानो शौकत, किंग साइज। और आज पता क्या हुआ, यहाँ पे सबका जो ये हेडलाइट है ना, ये हल्का सा येलो टिंट कर दिया गया, यू कैन सी दैट। सबके लाइट के ऊपर फिल्म चढ़ी है, इनफैक्ट यहाँ पे बेंटली का भी जो लाइट है इसके ऊपर भी टिंट चढ़ा हुआ है, यू कैन सी। सो अपना पहला स्टॉप है पेट्रोल पंप, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल का लाइट जल रहा है। सो दैट्स अवर फ्लीट, GTL ग्रैंड अमेरिका, देन वी हैव GSA व्हिच खन्ना जी इज राइडिंग, देन देयर इज अ हार्ली डेविडसन एंड अ गोल्ड विंग एंड इंडियन। सो 1, 2, 3, 4, 5 फाइव बाइक्स एंड अ कार, हाई एंड गड्डियां, ऐसी मुंबई दी रोड ते छड़ियां। ओह वाओ, देखो मुंबई आके मैंने एक चीज डिसाइड करी थी, मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में बताई है, GSA के अंदर में एक्रोपोलिस लगा हुआ है बट मेरे को उसकी आवाज नहीं आ रही है। तो इमेजिन करो इतना पैसा खर्च के भी अगर आवाज में इतना सब इम्प्रूवमेंट नहीं है, सो आई डोंट थिंक सो मैं उसमें पैसे लगाऊंगा। तो मैंने सोच लिया एज इट इज मैं स्टॉक के ऊपर ही चलाऊंगा अपनी वाली GSA। अब असली वाला कौन सा है, वो वाला ये वाला? इंकी पिंकी पोंकी, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, चलो घुमा के देखते हैं। ओके, सो राइट वाले में डलता है इसमें फ्यूल। लड़की ब्यूटीफुल, कर गई चुल, कर दो भैया टैंकी फुल। सो ये फैट बॉब में गाने चल रहे हैं, जलेबी जलेबी बेबी बेबी, आ जाओ पाजी। बच्चे नाच रहे हैं। तो अभी ऐसा हो रहा है हर बाइक में डिफरेंट गाने चल रहे हैं, अब मेरी चॉइस है कि कौन सी बाइक के मैं साथ में लगा के चलाऊं। गेटिंग माय पॉइंट, जिसकी बाइक पे अच्छा गाना बज रहा होगा, जैसे यहाँ राइट में गाना बज रहा है पाजी की बाइक में, सो चॉइस इज माइन ऑलरेडी, यू नो। फन मैन फन। हेलो, ये इंडिया है क्या? सही में यार, एक बार को तो मतलब ऐसे जब सारी बाइक इकट्ठे चलती है ना, बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। और ना इट्स अ वेरी रेयर सीन, मतलब मेरे को ऐसा दिल्ली में भी देखने को नहीं मिलता, इस लेवल की बड़ी बड़ी बाइक्स और फैंसी नंबर्स, 0001, मतलब सब पे ऑलमोस्ट। और मज़ा आता है, मतलब लोडेड एसेसरीज लगी हुई हैं, आवाज़ आ रही है, और अपने मतलब जानकार, मतलब हर बाइक पे कोई ना कोई प्यारा सा बंदा बैठा हुआ है, अच्छा लगता है। सो इट्स अ कंप्लीट फ्रेम, मतलब फ्रेम विद लव। एक कोई चपरी राइडर पीछे से लाइट मार मार के हमें परेशान कर रहा है, ऐसा ही है, मतलब बोलते ना विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसा ही लाइटों के साथ भी है, विद पावरफुल लाइट्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, कब चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी है पता होना चाहिए। देखो आई सीरियसली डोंट नो हाउ ओल्ड इज दिस मोटरसाइकिल, बट राइडिंग एक्सपीरियंसेस आर लव, बहुत प्यारी चल रही है, बहुत कंफर्टेबल बैठा हुआ है, थोड़ा लो है एज कम्पेयर टू ऑब्वियसली द अदर बाइक्स, बट अच्छी फील कर रही है। और ये जो थंप है ना, ये राइड एक्सपीरियंस को और एनहांस कर रहा है, स्पेशली स्लो में ना बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। सही है, मतलब देखो सबके चेहरे पे खुशी है ना। चलो एक जादू दिखाता हूँ, ये देखो इलेक्ट्रॉनिकली ये मैंने विंडस्क्रीन ऊपर कर दिया, काफ़ी ऊपर आ गया, मैं सी थ्रू कर सकता हूँ, बट अभी के लिए नीचे ही कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा स्क्रैचेस हैं तो थोड़ा सा अनोइंग है और थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। ओके, तो फुल डाउन ये हो चुका है,
एंड यहाँ पे लोग हमारे वीडियो बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं। ओके तो भाई जब मैं लास्ट टाइम आया था ना तो भी कुछ ऐसा ही था। शायद हम गेटवे ऑफ इंडिया के नज़दीक हैं। बढ़िया जगह लगती है जब भी हम आते हैं यहाँ पे। देखो पुराना बिल्डिंग, पुराना आर्किटेक्चर, बढ़िया जो कंस्ट्रक्शन है ये ख़त्म ही नहीं हो रही। आई गेस जब मैं लास्ट आया था, मतलब ये पिछले ट्रिप में तो इस तरफ नहीं आया, उससे पहले जब आया था तब मैंने यहाँ पे राइड करी थी रात में। सो ऑन माय लेफ्ट इज गेटवे ऑफ इंडिया, ऑल दो अभी लाइट्स बंद है। फुल स्वैग है बॉस, काफ़ी लोग हैं ऑलरेडी यहाँ पे। एंड पानी देख के मुझे पता है क्या याद आ रहा है, वहाँ पे एक क्रूज खड़ा है और आजकल आपको पता है क्रूज कितना फेमस हो रखा है। सो बाइक्स हो गए स्वैप, वो उत्थे दे दिए इंडियन, असी आ गए असी गोल्डविंग थे। बट साउंड इज देयर मैन, वाओ। Now we are just going back and let me tell you man, ये जो Cobra exhaust है ना, क्या आवाज़ आ रही है। And Honda is known for reliability यार, मतलब Honda engine से तो smooth है, क्या मज़ा आ रहा है यार, wow। Guys, are you ready? 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 Let's go. Oh my साहब, this is different kind of fun man, very nice। ओ भाई साहब, गोल्डविंग के बैकफायर्स, सीरियसली दिस इज समथिंग न्यू मैन, मतलब मैंने भी पहले नहीं सुने। वैसे इस चीज के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है, मतलब यहाँ पे क्या है, लाइट के साथ साथ पूरा जो पोल है ना वो लिट अप होता है। ऑरेंज है तो ऑरेंज, ग्रीन है तो ग्रीन, रेड है तो रेड, बहुत अच्छा है। मतलब क्या विजिबिलिटी आती है ना दूर से, और फैंसी भी लगता है। ऐसा वैसे दिल्ली में भी हो जाना चाहिए। लोग भाई के देख के चिल्ला रहे हैं भाई साहब। भाई लोग मेरे राइट में है सिद्धि विनायक मंदिर, मतलब मैं पहली बार जब मुंबई आया था ना तो मैं इधर को विजिट किया था। यहाँ पे वीआईपी लेन में लग के मैंने अंदर दर्शन किए थे और मेरे को लड्डू मिले थे खाने को। वेरी रिस्की हिल ब्रो, इट्स पाली हिल, यू नो टर्न बाय टर्न ऐसे ऊपर स्टीप चढ़ाई चढ़ती जाती है। एंड एक बाइक हमारा पीछा कर रही है, हमें लगा था कि 11 मुल्कों की पुलिस पीछा करेगी। वैसे हमारे एसआरके का घर भी नज़दीक में है, बोलो तो चले क्या। तो फिलहाल यहाँ पे एक बहुत फेमस चर्च भी आता रास्ते में, माउंट मेरी, एंड बहुत मान्यता है उसकी, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। पिछली बार हम लोग आए थे फेस्टिव सीजन के टाइम पे। सो दिस इज़ द चर्च आई वॉज टॉकिंग अबाउट, अभी भी कुछ लोग रुके हुए हैं। अब देखो भाई, इतनी आवाज़ है, इतनी एनर्जी इस ब्लॉग में, और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम आपको रात में दिखा रहे हैं मुंबई में, मतलब करा रहे हैं मुंबई दर्शन फैंसी स्टाइल, बाइकर स्टाइल। तो इस बात पे यार एक लाइक तो बनता है, बनता ना बॉस। तो जल्दी से वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। और हमारा गाड़ी देखो न्यूट्रल हो गया, अभी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वी आर गोइंग डाउन हिल एट पाली हिल। जुए में बराबर के पत्ते बांट लेती क्या बात है, लेकिन वही ट्रेन में 2 मिनट में जेब काट लेती। वाह 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 वाह। तो अभी यहाँ पे कैरोके नाइट होने वाली है सुबह के 3:30 बजे। ओके मिसेस खन्ना फ्रॉम दिल्ली, मिसेस खन्ना, माय फ्रेंड कम सिट विद मी। सापू भाई हमारा नेता है, हेलो, इसको दूध पिलाना। जैसा है मेरे को लग रहा है मस्ती कंटिन्यू करते हैं, व्लॉग कल कर लेंगे। जी वेलकम टू वेस्ट इंडीज। तो भाई लोग चड्डी में हम लोग चला रहे हैं गड्डी। तो ऐसा हुआ कल, मतलब सुबह सोए 5 बजे, मतलब पार्टी चली 5 बजे तक,
उसके बाद ऑब्वियसली हमने होटल करा रखा था, तो हमने सोचा यार इतना सारा सामान, हमारा मेकअप का सामान, हमारा बैग, हमारा लगेज, कैसे इस वक्त हम शिफ्ट करेंगे, यहीं सो जाते हैं। तो कल स्वर्ण पाजी के ऑफिस में सो गए हम लोग दोबारा से। बट फन है मैन, मतलब क्या ऐसी काम करते हैं ना, और क्या हॉस्पिटैलिटी है। मतलब यहाँ पे अभी सुबह भी चाय पी के निकले हैं, नाश्ता नहीं किया, नहाए नहीं है, तो सारा लगेज यहाँ पे पड़ा है, होटल जा रहे हैं अपने। पकड़ना जरा। चलो जी, फाइनली अच्छा लग रहा है अपने होटल में पहुँच के। एंड गाड़ी हम किधर लगाएंगे वो देखने का है, जगह बिल्कुल भी नहीं है अभी तो। पूरा पैक चल रहा है क्या? तो आपको याद होगा पिछली बार भी हम लोग यहाँ आके रुके थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट अच्छा है, रूम्स छोटे छोटे हैं। मतलब ऐसा सीन रहता है कि मुंबई में वैसे ही ना होटल्स बहुत महंगे हैं। मतलब यहाँ पे वट एवर वी आर पेइंग ना, दिल्ली के अंदर में 4-स्टार होटल आराम से मिल जाता है, इसमें कई बार 5-स्टार पर भी डील मिल जाती है। वैसे इधर देखो ज़रा, ऑलवेज अहेड, इसके अंदर पता क्या, हेलमेट। और मैं ऐसे लेके नहीं आया था, मतलब हेलमेट अपना कवर में, दूसरा कवर था मेरे पास में, बट दिस इज मोर सेफ, मोर प्रोटेक्टेड, मोर हैंडी। ये मेरे को यहीं पे गिफ्ट मिला है। ओके, गिफ्ट वाली चीज़ें अच्छी होती है ना। तो ये मेरे को अर्जुन ने दिया है, और मंजीत पाजी, मतलब थैंक यू फॉर दिस, अच्छा लगा मुझे, मैं तो दिल्ली लेके जा रहा हूँ। आप क्या करेंगे दोस्तों, अच्छा सा यहाँ पे शावर लेंगे, नहाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, और फिर शाम में करेंगे अच्छे से हमारा मुंबई एक्सप्लोर। मतलब वैसे तो मन नहीं लग रहा हमारा यहाँ पे, समझ सकते हो ना, जिसके लिए आए थे वो नेपाल में बैठिए। एनीवेज कर देते हैं अभी यहाँ पे ये वीडियो क्लोज। अच्छा लगा तो आपको पता है करना है क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत मेरी, रहमत उसकी, प्यार आप सभी का। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। साइनिंग ऑफ जेसन।